न्यूरोटच एक हैंडहेल्ड पोर्टेबल पेरिफेरल न्यूरोपैथी स्क्रीनिंग डिवाइस है, जिसे आप अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ADA के गाइडलाइंस के अनुसार छोटे और बड़े फाइबर न्यूरोपैथी टेस्ट्स कर सकते हैं। इन टेस्ट्स में मोनोफिलामेंट टेस्ट, वाइब्रेशन परसेप्शन टेस्ट, हॉट एंड कोल्ड परसेप्शन टेस्ट, फुट टेम्परेचर टेस्ट शामिल है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि डिवाइस का उपयोग कैसे करें। सुनिश्चित करें कि डिवाइस 100% चार्ज है। 3 घंटे चार्जिंग करने पर न्यूरोटच को 5 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। डिवाइस पर स्विच करने के लिए पावर स्विच को दाईं ओर टॉगल करें। स्प्लैश स्क्रीन के बाद आप होम स्क्रीन देख सकते हैं, जहां सभी टेस्ट कीपैड से अलाइंड हैं। आपको दाहिने पैर से शुरू करके पैर पर 12 टेस्ट पॉइंट्स पर टेस्ट करनी चाहिए। हम स्क्रीनिंग की शुरुआत हॉट परसेप्शन टेस्ट से करेंगे। हॉट परसेप्शन टेस्ट को शुरू करने के लिए दाएं बटन पर क्लिक करें। आप स्क्रीन के मध्य में 2 तापमानों के साथ बाईं ओर टेस्ट पॉइंट नंबर देख सकते हैं। स्क्रीन के सेंटर में दिखने वाला तापमान जांच के तापमान को दर्शाता है, जबकि नीचे दिखाया गया तापमान वो तापमान है जिस पर आप प्रोब को सेट कर सकते हैं। हॉट प्रोब को पेशेंट के टेस्ट पॉइंट के सामने रखें। पेशेंट से फीडबैक लें। जब प्रोब को टेस्ट पॉइंट के सामने रखा जाता है तो पेशेंट को हल्की गर्माहट महसूस होनी चाहिए। प्रोब को टेस्ट पॉइंट के सामने लगभग 3 से 5 सेकंड तक पकड़कर रखें, क्योंकि पेशेंट को प्रोब की गर्मी महसूस करने में कुछ समय लगता है। टेस्ट पॉइंट के सामने हॉट प्रोब को 5 सेकंड से अधिक ना रखें, क्योंकि इससे त्वचा जल सकती है। यदि पेशेंट को गर्मी महसूस नहीं हो रही है तो तापमान बढ़ाने के लिए ऊपर बटन पर क्लिक करें और प्रोब को उसी टेस्ट पॉइंट पर वापस रखें। यदि पेशेंट को गर्मी महसूस हो रही है तो डेटा को सेव करने के लिए सेंटर बटन और उसके बाद राइट बटन दबाएं। टेस्ट अपने आप अगले टेस्ट पॉइंट की ओर बढ़ता है। सभी 12 टेस्ट पॉइंट्स की स्क्रीनिंग के बाद डिस्प्ले टेस्ट पॉइंट 1 पर वापस आ जाएगा, जिसके बगल में एक स्टार होगा। स्टार का मतलब है कि उस टेस्ट पॉइंट का डेटा सेव किया गया है। सभी पॉइंट्स की जांच करें और यदि कोई पॉइंट छूट गया है तो आप उस एक पॉइंट की दोबारा टेस्ट कर सकते हैं। होम स्क्रीन पर वापस जाने के लिए कुछ देर तक लेफ्ट बटन दबाएं। वाइब्रेशन परसेप्शन टेस्ट। वाइब्रेशन परसेप्शन टेस्ट शुरू करने के लिए नीचे के बटन पर क्लिक करें। वाइब्रेशन परसेप्शन टेस्ट करने के लिए आप 10 वोल्ट से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप वैल्यू को 10 वोल्ट तक बढ़ाने के लिए ऊपर बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी 12 टेस्ट पॉइंट्स के लिए शुरुआती वैल्यू के रूप में 10 वोल्ट का उपयोग कर सकते हैं। वाइब्रेशन प्रोब को पेशेंट के टेस्ट पॉइंट के सामने रखें। पेशेंट से फीडबैक लें। जब प्रोब को टेस्ट पॉइंट पर रखा जाता है तब पेशेंट को हल्का कंपन महसूस होना चाहिए। यदि पेशेंट कंपन महसूस नहीं कर पा रहा है तो ऊपर बटन दबाकर वोल्टेज बढ़ाएं। प्रोब को फिर से उसी टेस्ट पॉइंट पर रखें और पेशेंट से फीडबैक लें। यदि पेशेंट को कंपन महसूस हो तो पहले सेंटर बटन और फिर राइट बटन दबाकर डेटा सेव करें। टेस्ट स्वचालित रूप से अगले टेस्ट पॉइंट पर आगे बढ़ता है। सभी 12 टेस्ट पॉइंट्स की जांच करने के बाद लेफ्ट बटन को लंबे समय तक दबाकर होम स्क्रीन पर वापस आएं। IR थर्मल स्क्रीनिंग। पैर के तापमान की जांच करने के लिए सेंटर बटन पर क्लिक करके IR थर्मामीटर टेस्ट शुरू करें। IR थर्मामीटर के बगल में डिवाइस के सामने एक नीली LED लाइट चमकेगी। डिवाइस को टेस्ट पॉइंट से 1.5 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखें।
सेंटर बटन और उसके बाद राइट बटन दबाकर परिणाम सेव करें। परीक्षण स्वचालित रूप से अगले टेस्ट पॉइंट पर आगे बढ़ता है। पेशेंट की प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम केवल तापमान रिकॉर्ड कर रहे हैं। डेटा सेव करने से पहले डिवाइस को टेस्ट पॉइंट से दूर ना ले जाएं। सभी 12 टेस्ट पॉइंट्स की जांच करने के बाद लेफ्ट बटन को लंबे समय तक दबाकर होम स्क्रीन पर वापस आएं। मोनोफिलामेंट टेस्ट। मोनोफिलामेंट्स 3 प्रकार के होते हैं। हरे मोनोफिलामेंट से आप 10 ग्राम तक का प्रेशर रिकॉर्ड कर सकते हैं। नीले मोनोफिलामेंट से आप 25 ग्राम तक का प्रेशर रिकॉर्ड कर सकते हैं और लाल मोनोफिलामेंट से आप 50 ग्राम तक का प्रेशर रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोनोफिलामेंट टेस्ट शुरू करने के लिए ऊपर बटन पर क्लिक करें। आप डिस्प्ले पर एक खाली बार चार्ट देख सकते हैं। प्रत्येक टेस्ट पॉइंट को हरे मोनोफिलामेंट से प्रारंभ करें। मोनोफिलामेंट को धीरे से मोनोफिलामेंट होल्डर पर रखें। मोनोफिलामेंट होल्डर में मोनोफिलामेंट को जोर से ना मोड़ें या ना दबाएं। फिलामेंट रखने के बाद बार चार्ट भर जाएगा। सेंटर बटन और लेफ्ट बटन पर क्लिक करके डेटा रीसेट करें। अब पेशेंट के टेस्ट पॉइंट पर मोनोफिलामेंट को धीरे से दबाएं। पेशेंट से फीडबैक लें। पेशेंट को स्पर्श महसूस होना चाहिए। यदि हरा मोनोफिलामेंट पूरी तरह से बंद होने के बावजूद पेशेंट को स्पर्श महसूस नहीं होता है, तो हरे मोनोफिलामेंट को नीले मोनोफिलामेंट से बदले। डेटा रीसेट करें और उसी टेस्ट पॉइंट पर परीक्षण दोहराएं। यदि नीले मोनोफिलामेंट को पूरी तरह से बांधने के बावजूद पेशेंट को स्पर्श महसूस नहीं होता है, तो नीले मोनोफिलामेंट को लाल मोनोफिलामेंट से बदलें। डेटा को रीसेट करें और उसी टेस्ट पॉइंट पर परीक्षण दोहराएं। यदि टेस्ट के दौरान किसी भी पॉइंट पर पेशेंट स्पर्श महसूस कर सकता है, तो डेटा को सेव करने के लिए सेंटर बटन और उसके बाद राइट बटन दबाएं। परीक्षण स्वचालित रूप से अगले टेस्ट पॉइंट पर आगे बढ़ता है। सभी 12 टेस्ट पॉइंट्स की जांच करने के बाद लेफ्ट बटन को लंबे समय तक दबाकर होम स्क्रीन पर वापस आएं। कोल्ड परसेप्शन टेस्ट। कोल्ड परसेप्शन टेस्ट शुरू करने के लिए लेफ्ट बटन पर क्लिक करें। आप स्क्रीन के मध्य में 2 तापमानों के साथ बाईं ओर टेस्ट पॉइंट नंबर देख सकते हैं। स्क्रीन के सेंटर में दिखने वाला तापमान जांच के तापमान को दर्शाता है, जबकि नीचे दिखाया गया तापमान वो तापमान है जिस पर आप प्रॉब को सेट कर सकते हैं। कोल्ड प्रॉब को पेशेंट के टेस्ट पॉइंट के सामने रखें। पेशेंट से फीडबैक लें। जब प्रॉब को टेस्ट पॉइंट के सामने रखा जाता है, तो पेशेंट को हल्की ठंडक महसूस होनी चाहिए। प्रॉब को टेस्ट पॉइंट के सामने लगभग 3-5 सेकंड तक पकड़कर रखें, क्योंकि पेशेंट को प्रॉब की ठंडक महसूस करने में कुछ समय लगता है। यदि पेशेंट को ठंडक महसूस नहीं हो रही है, तो नीचे बटन पर क्लिक करके तापमान कम करें और प्रॉब को दोबारा उसी टेस्ट पॉइंट पर रखें। यदि पेशेंट को ठंडक महसूस हो रही है, तो डेटा को सेव करने के लिए सेंटर बटन और उसके बाद राइट बटन दबाएं। परीक्षण स्वचालित रूप से अगले टेस्ट पॉइंट पर आगे बढ़ता है। सभी 12 टेस्ट पॉइंट्स की स्क्रीनिंग के बाद डिस्प्ले टेस्ट पॉइंट 1 पर वापस आ जाएगा, जिसके बगल में एक स्टार होगा। स्टार का मतलब है कि उस टेस्ट पॉइंट का डेटा सेव किया गया है। सभी पॉइंट्स की जांच करें और यदि कोई पॉइंट छूट गया है, तो आप उस एक पॉइंट की दोबारा टेस्ट कर सकते हैं। लेफ्ट बटन को कुछ देर तक दबाकर होम स्क्रीन पर वापस आएं। डिवाइस को बंद करने के लिए पावर बटन को बाईं ओर टॉगल करें। डेटा ट्रांसफर। प्ले स्टोर ऐप स्टोर से न्यूरोटच ऐप डाउनलोड करें। ऐप खोलें और सभी अनुमतियां दें। ऐप के लिए ब्लूटूथ और GPS सक्षम करें। यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। अब न्यूरोटच डिवाइस को ऑन करें।
डिवाइस के पीछे एक डिवाइस सीरियल नंबर होगा, वही नंबर ऐप पर दिखाई देगा। डिवाइस के साथ पेयरिंग की अनुमति देने के लिए उस नंबर पर क्लिक करें। मैनुअल पेयरिंग, यदि आपको ऐप स्क्रीन पर डिवाइस सीरियल नंबर नहीं दिखता है तो ब्लूटूथ सेटिंग पर जाएं। वहां उपलब्ध डिवाइसेस में आपको डिवाइस सीरियल नंबर के साथ न्यूरो टच डिवाइस मिलेगा। डिवाइस को पेयर करने के लिए उस पर क्लिक करें। अब न्यूरो टच ऐप पर वापस आएं। डिवाइस सीरियल नंबर स्क्रीन पर दिखाई देगा। डिवाइस के साथ पेयरिंग की अनुमति देने के लिए उस नंबर पर क्लिक करें। डिवाइस को पेयर करने के बाद डेटा भेजने के लिए सेंटर बटन को कुछ देर तक दबाएं और राइट एरो बटन पर एक बार क्लिक करें। इसके बाद दो विकल्प आएंगे, एक सर्वर पर डेटा भेजें, दो पेशेंट का विवरण अपलोड करें। पेशेंट का विवरण अपलोड करें। पेशेंट विवरण अपलोड पर क्लिक करें। कंसल्टिंग डॉक्टर को चुनें और अनिवार्य फील्ड भरें। बिना भूले परिवेश का तापमान दर्ज करें। सबमिट पर क्लिक करें। आप ऐप के भीतर फाइल मैनेजर में भी रिपोर्ट को देख सकते हैं। सर्वर पर डेटा भेजे पर क्लिक करें। अब ब्राउजर खोलें और reports.neurotouch.co पर जाएं। अपनी लॉगिन जानकारी दर्ज करें। लॉगिन करने के बाद आपको होम पेज दिखाई देगा। होम पेज के बाईं ओर आप होम, पेशेंट्स, टेस्ट और लॉग आउट देख सकते हैं। टेस्ट पर क्लिक करके आप सभी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। डिवाइस सीरियल नंबर और रिपोर्ट जनरेशन की तारीख कंफर्म करने के बाद लेटेस्ट टेस्ट आईडी पर क्लिक करें। कंसल्टिंग डॉक्टर को चुनें और अनिवार्य फील्ड भरें। यदि पेशेंट डायबिटिक है तो हाँ विकल्प चुनें और HbA1c दर्ज करें। बिना भूले परिवेश का तापमान दर्ज करें। सबमिट पर क्लिक करें। रिपोर्ट तैयार करने के बाद आप सीधे सर्वर से रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं।